पशुपति नाथ का एक व्रत होता है जिसको कहते हैं पशुपति व्रत। पहली बात अच्छे से ध्यान में कर लेना कि पशुपति व्रत में कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा ढोंग प्रपंच कुछ नहीं करना। सुबह के समय पर थाली लेकर जाओ, शंकर भगवान का पूजन करो, अभिषेक पूजन करो, सारा पूजन करने के बाद थाली वापिस लेकर आ जाओ। उसी थाली को शाम के समय लेकर जाओ, शाम को फिर थोड़ा सा बाबा को समर्पित करने के लिए कुछ मीठे का प्रसाद जिसके तीन हिस्से हो जाएं, छह दिए घी के बाबा को समर्पित करने के लिए लेकर जाएं, भगवान को बेलपत्र समर्पित करने के लिए जाएं, प्रेम से बाबा का स्नान पूजन सब कराकर शाम के समय प्रदोष काल में प्रदोष संभर कर प्रसाद जो बनाकर ले गए हो उसके तीन हिस्से कर लो, दो हिस्से मंदिर के अंदर भी रख देना है, एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस ले, एक दिया लेकर आना तो वहां से जला कर नहीं, पांच दिए मंदिर में जला दीजिए। जब दीप पांच पंचानंद भगवान शिव के लिए समर्पित कर रहे हो तो पांचों दिए जलाते समय पहले दिन ही अपनी कामना कर लेना, मैं इस कामना से पशुपति व्रत कर। पशुपति व्रत जिस मंदिर पे पहला व्रत होता है उसी मंदिर पर पांचों व्रत, मंदिर नहीं बदला जाए। अगर मायके जाना है तो वापिस आकर करो, पर पशुपति व्रत ये नहीं कि मैं मायके में एक कर लूंगी या वहां जाकर एक कर लूंगी, ऐसा नहीं। जैसे संकट सोमवार 16 सोमवार होते हैं, संकट सोमवार 16 सोमवार का भी व्रत का ऐसा महत्व रहता है कि इस घर में करा है कि घर में करना होता है। यानी कि किराए के मकान में रह रही हूँ तो मैंने किराए का मकान बदल लिया है, अब बदला मकान में पहुंच गई तो एक व्रत वहां कर लूंगी, नहीं नहीं, उद्यापन तक उस मकान में तुम्हें रहना पड़ेगा जिस मकान में तुम रह रहे हो, तो व्रत का मतलब। अब पशुपति व्रत के अंतर्गत शाम को पांच दिए एक दिया जला कर प्रज्वलित करना है आपको, कहां जब प्रसाद लेकर बाबा को निवेदन कर कर अपने घर पर जब आएंगे, आने पर दरवाजे पे प्रवेश करेंगे, मुख्य द्वार में जब प्रवेश करें उसी के राइट भाग में आप बैठ कर अपने घर की ओर मुख कर कर बड़े प्रेम से ये को समर्पित कर दें, बाबा से विनती करें कि बाबा ये दीप मैंने केवल आपके लिए जलाया है कि आप इस मेरे मार्ग को सुलभ करें, मेरे घर की जो बांधा है, जो भी मेरे मन की इच्छा है उसको करें। बाबा को निवेदन कर प्रसाद लेके घर में प्रवेश कर जाएं। सुबह के समय जब आप फलार कर लें, शाम के समय आप भोजन तब करना जब एक भाग प्रसाद का लाएंगे, उस प्रसाद में से किसी को नहीं दें, तो प्रसाद पहले आपको खाना है उसके बाद भोजन ग्रहण। नमक दोनों समय खाओ, कोई मना नहीं, फलार में भी खा लीजिए, कोई चीज की मना नहीं, बस बाबा का स्मरण करो। पांच व्रत पूर्ण हो जाए, छठे व्रत में कुछ भी 108 सामग्री लेकर जाओ, चाहे मूंग लेकर जाओ, चाहे चावल लेकर जाओ, चाहे बेलपत्र लेकर जाओ, चाहे 108 मखाने लेकर जाओ, चाहे तुम्हारी मर्जी पड़े जो लेकर जाओ, 108 पुष्प ले जाओ, श्वेत पुष्प ले जाओ, रक्त पुष्प ले जाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े पर 108 लेकर जाइए। शाम के समय पर जब आप पूजन कर लें तो समर्पित कर दें 108, तब एक श्रीफल 11 रुपए बाबा के चरणों को समर्पित कर दें, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हुआ है। पांच व्रत भी पूरे नहीं होंगे, दो या तीन व्रत में ही बाबा आपका कार्य कर देगा, पर प्रेम से करना, विश्वास रखकर करना, भरोसा रखकर करना, अहंकार नहीं। जितने पशुपति व्रत करो आप उसमें अभिमान को त्याग दो, शंकर जी के दरवाजे पर सुबह जाओ ना तो पहले अहंकार छोड़ कर। पशुपति व्रत आप जब करें, भगवान शिव को पांच व्रत हैं, बीच में कोई बांधा आ भी जाए तो छोड़ दो, अगला पर करो जरूर। दुनिया का ऐसा कौन सा कार्य है जो पशुपति व्रत, ना जाने कितने तो पशुपति व्रत को करे होंगे, बाबा ने एक व्रत में, दो व्रत में, तीन व्रत में, पांच व्रत में इतना कुछ तो दिया। अगर बाबा मान लो तुम्हारी कामना पूर्ण नहीं करता तो मन की शांति, हृदय की शांति तो मिल रही है ना।